हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोलार पैनल की टेक्निकल डेटा शीट के बारे में। तो इस टेक्निकल डेटा शीट के अंदर जो पैनल्स है वो हमको मदद करते हैं सिस्टम डिज़ाइनिंग के अंदर कि भाई अगर हम ऑफ ग्रिड स्पेशली और हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस टाइम पे पैनल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको पैनल की डेटा शीट के ऊपर पैनल सेलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और पैनल के परफॉर्मेंस के बारे में भी ये चीज़ें हमको आइडिया देती है, ठीक है, और पैनल सेलेक्शन में भी हमको मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने ये है विक्रम सोलार का पॉली क्रिस्टलाइन का 325 to 345 वॉट का पैनल का डेटा शीट, ठीक है। ये कुछ की हाइलाइट्स हैं यहाँ पर, इफ़िशेंसी वगैरह जो नीचे कवर होने वाली है। अब स्पेशल चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि G172 सेल्स। इसका क्या मतलब, 72 तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 72 सेल्स है इसके अंदर, ठीक है। किसी में इसका डबल भी हो सकते हैं, किसी में 60 होते हैं, अभी नॉर्मली तो 72 आते हैं। और G1 रिप्रेजेंट करता है सेल का साइज़ जो अभी मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो G1 ये कोड रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सेल है, ये एक आपको जो ब्लॉक दिख रहा है स्क्वायर शेप का, इसका साइज़ है 158.75 mm by 158.75 mm, जो कि होता है 6.25 इंच। तो ये सेल का साइज 6.25 by 6.25, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके इलेक्ट्रिकल डेटा या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल डेटा, और नीचे भी इलेक्ट्रिकल डेटा ही है या फिर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। तो ऊपर जो डेटा है ये है सारा डेटा स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे, जो डेटा हमको मिला वो है। अब ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ पर नीचे दे रखा है, देखो सोलार का जो रेडिएशन है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी लाइट पड़ रही है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1000 वाट या 1 किलोवाट इतनी सोलार का पावर गिर रहा है, ठीक है। और सेल्स का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, एयर मास इंडेक्स है 1.5 जी। अब ये एयर मास इंडेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इन शॉर्ट आप याद रखिए कि एटमॉस्फेयर में जब लाइट रे ट्रैवल करके आती है स्पेस से तो उसकी इंटेंसिटी में कुछ फ़र्क पड़ता है। तो कितना ट्रैवल करके आया, अब वो सन कितना लोअर इन द स्काई है या हाइयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ के बारे में आइडिया देता है। तो अभी का हमारा टॉपिक ये नहीं है, तो बस याद रखिए कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में एयर मास इंडेक्स 1.5 जी होता है। तो सबसे पहले हमारा पीक पावर या मैक्सिमम पावर, तो अभी अगर मैं 330 वाट के पैनल की बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे, मतलब अगर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इतना सोलार की रेडिएशंस गिर रहे हैं या फिर लाइट एनर्जी गिर रही है पैनल पे, और सेल्स का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको मैक्सिमम जो आउटपुट मिलेगा इस पैनल से 330 वाट। अगर वही हम 320 वाला लेंगे पैनल तो उससे 320, ज़्यादा वाला लेंगे तो ज़्यादा। तो ये पीक पावर ये बताता है कि इतना मैक्सिमम पावर हम इससे ले सकते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे, ठीक है। विंटर में तो हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन समर सीजन में ज़्यादा होता है, तो इतना हर बार हमको नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वोल्टेज या फिर वोल्टेज मैक्स एट पीक पावर, मैक्सिमम वोल्टेज एट पीक पावर, मतलब जब पावर हमको इस पैनल पे 330 वाट मिला तो उस टाइम पे हमको वोल्टेज मैक्सिमम कितना मिलेगा, 38 वोल्ट। सिमिलरली मैक्सिमम करंट एट पीक पावर, जब पावर मैक्सिमम मिला तो मैक्सिमम करंट हमको इससे कितना मिलेगा पैनल से, 8.7 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या बताता है कि भाई ये पैनल है हमारा, ये पैनल है, हमने क्या किया इसके पॉजिटिव और निगेटिव के अक्रॉस वोल्टेज चेक किया मल्टीमीटर से। तो अभी ये पैनल किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो अभी जब लोड से कनेक्टेड नहीं है तो उस टाइम पे ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट का वोल्टेज कितना मिलेगा हमारे को, 46.3 वोल्ट, ठीक है। ये बात हो रही है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट करंट है नेक्स्ट पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब क्या, अगर आपने पैनल का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल क्या किया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया आपने, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, 9.24 एम्पियर। ये बता रहा है हमको
शॉर्ट सर्किट करंट ISC। नेक्स्ट कम्स इफिशेंसी। देखो इफिशेंसी इन जनरल किसको बोलते हैं, कितने आउटपुट सॉरी कितने इनपुट पे कितना आउटपुट हमको मिला। तो अब यहाँ पर हम 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर रेडिएशन डाल रहे हैं, लेकिन उसमें से लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में कितना हो रहा है, सिर्फ 16.3%। तो इतनी कम इफिशेंसी होती है सोलर मॉड्यूल्स की। तो ये एक ड्रॉबैक भी है सोलर पैनल्स का, कि एनर्जी इफिशेंसी बहुत कम है। मतलब जितनी एनर्जी उसके ऊपर गिर रही है उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अभी ये इफ़िशेंसी बढ़ाने की जो है तो इंडस्ट्रीज़ में कोशिश जारी है। मोनोपर की इफ़िशेंसी अराउंड 21% के आसपास होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पर ही, NOCT, मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, या फिर इसको कहा जाता है नॉर्मल ऑपरेटिंग मॉड्यूल टेम्परेचर, दोनों नाम इसी के हैं। तो अब इसमें ऊपर वाले पैरामीटर्स में इसमें क्या फ़र्क है, देखिए ऊपर हमने 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इतने सोलर रेडिएशन डाल के पैरामीटर्स चेक किए थे, सेल का टेम्परेचर इतना था, एयर मास इंडेक्स इतना था। अब NOCT नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर या मॉड्यूल टेम्परेचर पे हमने सोलर रेडिएशन कितना रखा, 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। और एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और पैनल को हम रखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे, और पैनल का बैक साइड खुला रखते हैं, मतलब किसी रूफ पे डायरेक्टली पैनल अटैच नहीं है, पैनल का पीछे का स्पेस खुला है। और पैनल के आसपास जो हवा चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर में 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये विंड स्पीड क्यों है यहाँ पे, देखिए पैनल जब धूप में होता है सारा दिन तो हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब किसी बॉडी का बढ़ता है तो वो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर हीट को सराउंडिंग में छोड़ती है, या फिर अगर उसका टेम्परेचर कम है तो सराउंडिंग से हीट को लेती है। अब ये हीट का जो एक्सचेंज है दो बॉडीज़ के बीच में, ये डिपेंड करता है दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर पे और आसपास जो हवा चल रही है उसके ऊपर। पर अगर आपने गर्म खाना लिया, उसको ठंडा करने के लिए आप मुंह से फूंक मार रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको ज़्यादा ठंडा होने के लिए। और वही आपने उस गर्म खाने को कूलर के सामने रख दिया तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि कूलर के अंदर से जो हवा आ रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी हीट को लेकर जाएगी। ठीक है, तो अब NOCT क्या है, हमने देख लिया रेडिएशन इतना है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, हवा की स्पीड इतनी है, और पैनल को रखा गया है 45 डिग्री इंक्लाइन, और पैनल का टेम्परेचर 40 से 46 के बीच में है पैनल का टेम्परेचर। तो उस टाइम पे ये जो 330 वाट वाला मॉडल हम समझने के लिए ले रहे हैं, उससे हमको आउटपुट कितना मिलेगा, मैक्सिमम 244.7, ठीक है, पीक पावर, जो कि प्रैक्टिकली इतना ही मिलता है हमारे। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वोल्टेज एट NOCT, वोल्टेज कितना मिलेगा इस कंडीशन पे, NOCT पे 35 वोल्ट, और करंट मिलेगा हमारे को 6.99। सिमिलरली ओपन सर्किट मिलेगा इस कंडीशन में 42.9, और शॉर्ट सर्किट करंट 7.47। तो STC पे जो जो वैल्यूज़ थे वो NOCT पे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस पे कितने हो गए, वो सारे के सारे वैल्यूज़ फॉल हो गए, कम हो गए उनके वैल्यूज़। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल कोएफिशिएंट, या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। देखिए TC, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट और पावर। तो इन जनरल ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, ये चीज़ ये पैरामीटर हमको किस चीज़ का आइडिया देता है, कि भाई जो भी पैरामीटर है फॉर एग्जांपल वोल्टेज, ये टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये कौन आइडिया देता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू माइनस में है तो टेम्परेचर बढ़ने से वो पैरामीटर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पैरामीटर बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ साथ। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, -0.29% पर डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है हमारा
40 डिग्री सेल्सियस से 46 के बीच में मॉड्यूल का। अगर उसके ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.29% से वोल्टेज कम होगा हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। सिमिलरली 0.057% से हर 1 डिग्री के साथ में करंट बढ़ेगा। और अल्टीमेटली पावर, जिससे पावर से हमको मतलब होता है, पावर कम होगा। कितना कम होगा? हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज के साथ 0.38% पावर कम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने देखा पैनल का NOCT पे मैक्सिमम पावर है 244.7, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इतना, नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 40। मान लीजिए टेम्परेचर हो गया है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा? 40-60 आया, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ 20 डिग्री सेल्सियस से। तो उसकी वजह से पावर रिडक्शन कितना हो रहा है? तकरीबन 18 वॉट का पावर रिडक्शन हो रहा है टोटल पावर में से। तो जब टेम्परेचर पैनल का 40 से 60 हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस टाइम पे जो पैनल हमको पहले 244.7 वॉट आउटपुट दे रहा था, वो पैनल अब हमको जो पैनल हमको 244.7 वॉट एनर्जी सॉरी पावर दे रहा था, वही पैनल अब हमको कितना देगा? 226.10। तो मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर जैसा जैसा पैनल का बढ़ेगा तो पावर जनरेशन कम होगा। ऐसा नहीं है कि भाई जितनी धूप पड़ती रहेगी तो पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हर चीज़ की नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होती है। तो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम्स मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। देखिए मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज मतलब क्या, ये इस चीज़ के बारे में आइडिया देता है हमको कि हम कितने पैनल्स सीरीज में लगा सकते हैं। अगर हम ये 330 वॉट वाले पैनल की बात करें तो कितने पैनल हम सीरीज में लगा सकते हैं, ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज हमको आइडिया देगा। तो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है 1500 डिवाइडेड बाय हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है 46.3। तो मैक्सिमम 32 पैनल्स हम सीरीज में लगा सकते हैं, ये वाले 330 वॉट की अगर हम बात करें। तो ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज हमको इस बात का आइडिया देता है कि कितने पैनल्स हम सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज होता है। अभी बाकी आ गया है मैकेनिकल डेटा और फिजिकल डायमेंशन कितने हैं, लेंथ विड्थ हाइट ये है, और पैनल का वेट, और जंक्शन बॉक्स का प्रोटेक्शन कौन सा है, IP67 है, और 3 बाईपास डायोड्स है इसके अंदर। इनकेस अगर किसी पैनल पे शेडो आ गई, जनरेशन नहीं हो रहा है, तो वो बाईपास डायोड में से वो पैनल के थ्रू करंट निकल जाएगा। केबल की लेंथ है, MC4 कनेक्टर कंपेटिबल है ये दिया, सेफ्टी क्लास ठीक है। सेल्स कितने हैं? 72 हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अब 5EB सोलार सेल्स का मतलब क्या कि इसके अंदर 5 बस बार है, 5 बस बार। अगर आप सोलार पैनल को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये बारीक बारीक लाइनिंग्स दिख रही है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सेल से ये सेल जब कनेक्ट हो रहा है तो 5 बस बार कनेक्ट हो रहे हैं उसमें, तो ये 5EB का मतलब होता है, ओके। फिर इनकैप्सुलेशन शीट कौन सी है, ये बाकी चीज़ें, एल्यूमिनियम का फ्रेम है उसका, मैकेनिकल लोड टेस्ट 5400 पास्कल स्नो लोड, मतलब कि अगर आपने किसी ऐसे एरिया में सोलर पैनल लगा रखा है जहां बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरती है, तो मैक्सिमम इतना प्रेशर हैंडल कर सकता है। अब ये 5400 पास्कल का मतलब क्या, पूरे पैनल के ऊपर मान लो तकरीबन 250 किलो के उतना अगर बर्फ़ जम भी गया, तो अगर पूरे पैनल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तब की बात कर रहा हूँ, तो भी पैनल संभाल लेगा। सिमिलरली हवा का लोड कितने पास्कल संभाल लेगा? 2400, ठीक है। तो ये तकरीबन हो जाएगा हमारा 150 किलो के आसपास हो जाएगा, 150 किलो की वजह से जितना लोड हम फील कर सकते हैं उतना। नेक्स्ट और आता है कि अगर बर्फ़ गिर रहा है, कोई पत्थर आके लग गया, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले मॉडल के अंदर। मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग, अब इसका क्या मतलब कि भाई पैनल से तो मैक्सिमम जनरेशन होने वाला है अराउंड 8 एम्पियर, लेकिन पैनल की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना बर्दाश्त कर सकता है वो करंट,
15 एम्पियर। तो ये है, तो ये किस चीज़ के बारे में आइडिया देता है हमको कि भाई अगर हम डीसी डीबी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो फ्यूज हमको सेलेक्ट करना है उस चीज़ के बारे में आइडिया देता है। बाकी ये वारंटी और सर्टिफिकेशंस की जानकारी है। तो ये पैनल इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया कि इसमें बहुत सारा डेटा है। बाकी अगर आप पैनल्स देखोगे तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल डेटा और मैकेनिकल डेटा गिवन होता है। फॉर एग्जांपल ये वाड़ी सोलार का है, देखो तो यहाँ पर सेम सारे पैरामीटर्स है। एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या दे रखी है उन्होंने, यहाँ पे ग्राफ्स दिए हैं। तो ये ग्राफ्स क्या बता रहे हैं, अगर धूप बढ़ रही है जैसे जैसे, तो इस साइड देखिए करंट भी बढ़ेगा और ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ सेल का परफॉर्मेंस कैसे डाउन हो रहा है ये दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा इस पर नहीं जाते वक्त। सिमिलरली ल्यूमिनस का सोलर पैनल है तो इसके अंदर भी सारा डेटा सेम है। और ये है लूम सोलर का जो शार्क मॉडल है 440 वाट का, इसमें 144 सेल है। इसकी इफिशेंसी 20.2% है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट क्या है कि भाई 25 mm हेल स्टोन एट 82 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, अगर कोई पत्थर बर्फ़ का टुकड़ा या कोई भी चीज़ जिसका साइज़ कितना है 25 mm 1 इंच है, और अगर मैक्सिमम वो इतनी स्पीड से भी आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की, और आके पैनल पे लग गया, तो भी पैनल उसको बर्दाश्त कर लेगा। ये इसकी मतलब एक मैकेनिकल पैरामीटर में से एक है। बाकी तो सारा डेटा सेम ही है जो हमने विक्रम वाले में डिस्कस किया। तो होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। तो इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।